जी मित्रों नमस्ते और नमस्कार, अभिवादन आप सभी को एक बार फिर से। और मुझे आपको बतानी थी वो खबर जो दरअसल इमरान खान और बुशरा बीवी यानी पिंकी पीरनी के बीच हुई। और वो ये बात शुरू होती है उस दिन जिस दिन इन लोगों को जाना था इस्लामाबाद पेशी के लिए। और उससे 2 दिन पहले खबर ये आई, मीडिया में भी खबर रही इसकी, कि भाई जमैमा खान जो है या जमैमा गोल्डस्मिथ जो इनकी पहली पत्नी थी जो लंदन में है और वहाँ के बहुत रिप्यूटेड बहुत रईस खानदान से हैं, उनके बाप जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं हर सेक्टर में वहाँ के पॉलिटिकल एंड अदरवाइज। तो मालूम ये पड़ा कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ मलिक रियाज के जरिए इनको बाहर निकालने की, इमरान खान को, जिसके जरिए ये टाइमली बाहर निकल जाए इससे पहले कि इनको जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। अपडेट उसमें ये है कि दरअसल आज बुशरा बीवी और इमरान खान दोनों को ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया है, यानी कि अब वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उनके जाने पर कंप्लीट रोक लग गई है। एक दूसरी बात, तो मैं आपको बता रहा था जमैमा खान के बारे में। तो जब ये खबर छपी और पब्लिकली मीडिया में ये चीज डिस्कस होने लग गई, उसी के इमीडिएट बाद की बात है जब इनको जाना था इस्लामाबाद दोनों मियाँ बीबी को नैब की पेशी के लिए, जहां उस दिन 4 घंटे इनको खड़ा होना पड़ा। अब वो मुश्किल क्या हुई, रास्ते में इनके बीच में इस सारे मसले को लेकर बात हुई और बात ही नहीं हुई, आर्गूमेंट हुए, झगड़ा हुआ। और सो मच सो, और ये बात जाहिर है क्योंकि मुलाजिम जो है जो इनके उनसे बात निकल कर आई। आपको मैंने एक बार पहले भी इस चीज का इशारा किया था कि उस दिन जब इमरान खान वापस आए इमरान इस्लामाबाद से, और जो उनकी वॉक थी अपने घर अंदर जाते जाने की, उस वॉक में बहुत थकान बहुत बेबसी नजर आ रही थी। वो वॉक बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी उनकी उस दिन, और वो चीज की तरफ मैंने आपको इशारा किया भी था। बाद में जब खबरें आई तो पता ये लगा कि भाई बुशरा बीवी ने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया है, उनसे दूर रहकर सोना शुरू कर दिया है दूसरे कमरे में। और हालांकि इस बात को दूसरी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की गई, वो ये कि भाई चूंकि उनकी अपनी इबादतें चलती हैं जिन्नात और भूत प्रेत चुड़ैल जो भी तो उनके साथ में, तो इसलिए उनको दूसरा कमरे में जरूरी हल्के ने होना। एक बार इस बीच में एक और खबर आई, वो ये कि जो लाल लाल मिर्च आई थी जो 19 किलो, वो सारी की सारी जला दी गई हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 13 दिनों में, आने वाले 13 दिनों में कुछ बेहतरी हो जाएगी इमरान खान और उनके परिवार के साथ में। ये सब चमत्कार जो होगा माना जा रहा है वो उन 19 किलो लाल मिर्च का जो अनुष्ठान किया गया है पिंकी पीरनी के द्वारा, तो उसके वजह से होगा ऐसा माना जा रहा है। तो अब ऐसा ना हो कि पता लगा लाल मिर्च भी गई 19 किलो और काम भी नहीं हुआ, लेकिन यू ना मानो टोटके तो फिर टोटके होते हैं, और फिर वो कभी हुए कभी नहीं हुए, कभी चले कभी नहीं चले, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये किस्सा है। तो अब अपडेट उसमें ये है, जो चीज कंफर्म नहीं हो पाई है वो ये कि बताया जा रहा है कि झगड़ा अब स्टेज तक आ गया है कि जहां पिंकी पीरनी दरअसल इमरान खान का घर छोड़कर जा चुकी हैं, मगर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। खबर कैसे मिली, खबर मिली है पाकिस्तान के नामी सीनियर जर्नलिस्ट मुबस्सिर लुकमान की तरफ से। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, आने वाले 2-3 दिन में मेरे ख्याल से चीजें सामने आ जाएंगी, मगर एक चीज तय हो गई है वो ये कि ये दोनों के दोनों अब कम से कम वहां जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे यहाँ से पाकिस्तान से, और दोनों के नाम जो है वो ECL में डाल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जिसमें ये 190 मिलियन पाउंड्स की जो कहानी चल रही है उसमें इमरान खान को भी बुलाने का फैसला कर लिया है कि दोनों मियाँ बीवी को यानी पिंकी पीरनी और इमरान खान को उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो एक एक और नया पंगा शुरू होने वाला है। तो ये वो छोटा सा अपडेट था मैं आपको देना था कि पिंकी पीरनी, अच्छा बाय द वे, और यहाँ तक मतलब खबरें यहाँ तक हैं, अब वो कितना सच होता है निकल कर आता है नहीं, जैसे ही आने वाले दिनों में हफ्ते भर में आएगा तो पता लगेगा। पर माना ये जा रहा है कि नोइंग कि ये देखिए इमरान खान के बारे में सब लोग जानते हैं, पिंकी पीरनी इंक्लूडेड, कि भाई ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरवाने में 2 बार सोचेगा नहीं, ये मरवा देगा किसी और को अगर इसको अपनी जान बचानी हुई। ये तय है कि इनको
अब आर्मी एक्ट के अंदर इस पे केस चल रहा है इमरान खान पे, तो अगर कोई डील इस तरह की ऑफर होती है कि उसको बाहर निकलने का मौका मिले और लंदन जाने का मौका मिले, तो बड़ा जाहिर है लंदन जाने का मतलब है जमाना खान, दोनों बेटे, अभी पिछले हफ्ते उनका ट्वीट भी आया था कि द ओनली थिंग आई एम मिसिंग इज हाइकिंग विद माई सन्स, तो बाकी उनकी जिंदगी में कोई कमी है नहीं, जितने साथ के लोगों को जाना हो जेल में तो जाए उनकी वला से, उनको करनी है हाइकिंग अपने बेटों के साथ में। तो इन सबसे हुआ ये कि पिंकी बेनी को कहीं अंदाजा हुआ कि अगर ये लंदन गया तो मैं तो मर गई, क्योंकि मैं मुझे लंदन लेके जाएगा नहीं, वहां तो उसने जमाने के साथ में रहना है, उन्हीं के घर में रहना है जाके, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो अब बातें ये भी चल रही हैं कि वेदर शी कैन टर्न इनटू एन अप्रूवर, यानी कि सरकारी गवाह, या कि यू नो वो खुद कुछ अपने डिफेंस में क्या कर सकती है क्या नहीं, ये तीसरा कि इमरान खान से खुला लेने तक की बातें हुई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। तो मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से जो चीज़ें बाहर आई हैं वो कुछ इस तरह की हैं। तो लेट अस सी कि विच वे इट गोज, बट दिस इज द वे इट इज लुकिंग लाइक, और नो गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान, कोई भी खबर अच्छी नहीं उनके लिए, बट जो कुछ वो कर बैठे हैं उसमें अच्छा हो क्या सकता था, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। तो ये था छोटा सा अपडेट, मुझे लगा मैं आपको दे दूं, और बाकी एज ऑलवेज आई से यू नो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड यू नो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट वेर एवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर ऑन। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।